धामीपुर गांव में दो दोस्त विजय और सत्या रहते थे। सत्या के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसीलिए विजय के माता पिता ने बचपन से सत्या को भी पाला था। दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे, परंतु दोनों में भाइयों जैसा प्रेम था। यार विजय, 12वीं की परीक्षा तो हम दोनों ने पास कर ली है, अब आगे पढ़ने के पैसे तो हैं नहीं, तो क्या करें भाई? सत्या, तुझे तो पता है मैंने 12वीं बड़ी मुश्किल से पास की है। मेरा तो पढ़ाई में मन है नहीं, तो मैं तो कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। यहाँ गांव में कौन काम देगा, शहर में लोगों के सपने पूरे होते हैं, तो क्या कहता है चले शहर? हाँ, शहर जाने का तो मेरा भी मन है, परंतु माँ बाबा से क्या कहेंगे? देख भाई, अब सपने पूरे करने हैं तो हमें माँ बाबा को मनाना ही होगा। चल घर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। दोनों घर जाकर माता पिता से शहर जाने की बात करते हैं। माँ, देखना इस सत्या को, मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि कल शहर चलेंगे। क्या कहा, शहर? शहर जाकर क्या करोगे तुम दोनों? देखो बाबा, हम दोनों ने 12वीं की कक्षा पास कर ली है, अब आप कहें तो हम दोनों शहर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं। परंतु बेटा, सुना है शहर में जाकर लोग खो जाते हैं, हमारा गांव भी तो है ना, क्यों ना तुम यहीं रहकर कुछ कमा खा लो। माँ, इतना भी क्या डरना, हम दोनों को कुएं का मेंढक बनकर नहीं जीना है। शहर जाकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हमें जाने भी दो ना। हाँ माँ, विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाने भी दो अब। बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम दोनों खूब तरक्की करो, पर तुम गांव में रह के ही कुछ देख लो। देखो भाग्यवान, अब ये दोनों किसी की नहीं सुनेंगे, तो इन्हें जाने दो। कुछ न हुआ तो 10-15 दिन में वापिस गांव लौट आएंगे। हाँ ठीक है, कल सुबह मैं इन दोनों को जल्दी नहीं उठाऊंगी, देखूंगी कैसे जाने के लिए बस पकड़ते हैं। तुझे क्या लगता है, ये दोनों अब भी छोटे बच्चे हैं जो तेरे उठाने से नहीं उठेंगे? अब छोड़ भाग्यवान, जाने दे इनको। अगली सुबह दोनों बस पकड़ कर दोपहर तक शहर पहुंच जाते हैं। बाप रे, देख तो विजय, ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतनी सुंदर बिल्डिंग तो हमने कभी नहीं देखी। हाँ, तू सच कह रहा है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें तो हमने कभी नहीं देखी। तू देख ना, एक दिन इन बिल्डिंग्स के बीच हमारी भी एक बिल्डिंग होगी। अब सपने देखना बंद कर, चल सामान उठा, कहीं रहने का इंतजाम करते हैं। देखने दे भाई ये बिल्डिंग्स, सामान तूने रखा था तू ही उठा। विजय जरा देख तो, मैंने तो सामान यहीं रखा था, अब नहीं है, न जाने कहां गया, कहीं चोरी तो नहीं हो गया ना? ये तूने क्या कर दिया, अब सामान के बिना कैसे रहेंगे हम? भाई भाई भाई, गुस्सा मत हो, उस सामान में था ही क्या, 4-5 जोड़ी कपड़े, 400-500 रुपए, इतनी बड़ी बिल्डिंग का मालिक होकर थोड़े से सामान के पीछे रो रहा है, लोग क्या कहेंगे, छी छी छी। ओहो हो हो, देखो तो सेठ जी को, मालिक जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी खाने पीने की सोच, कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे। शांति शांति, ठीक है भाई, मैंने मान लिया मेरी गलती थी, अब तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। देख सामने, इस घर में कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, इन्हें तोड़ेंगे और खा लेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। बड़ा गया था फल लेने, मिल गए फल, सही समय पे बाहर ना आता तो कुत्तों ने काट लिया होता तुझे अभी तक। अरे यार, मेरी इसमें क्या गलती, मैं तो फल लेने गया ही था,
अपने गांव में ऐसे कौन किसी के पीछे कुत्ते दौड़ाता है? यहाँ शहर में सब कुछ अजीब ही है। अब बार बार गांव को तो याद मत कर, हम शहर में हैं, यहाँ के तौर तरीके जल्दी से सीख लेते हैं, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे हम। विजय, इस ऑफिस में पियून और क्लीनर की जरूरत है, चलकर बात करते हैं, क्या पता दोनों को यही नौकरी मिल जाए। नमस्ते मैडम, हम दोनों पियून और क्लीनर की नौकरी के लिए आए हैं, बाहर आपका इश्तिहार देखा। नमस्ते, क्या तुम दोनों ने पहले कहीं काम किया है? मैडम जी, हमने पहले तो कभी काम नहीं किया, हम तो आज ही गांव से शहर आए हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें यह काम दे दें तो। ठीक है, परंतु सैलरी सिर्फ 7,000 रुपए पर मंथ होगी। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। अगर तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकते हो। ठीक है मैडम जी। दोनों दिन भर मेहनत से काम करके शाम को घर ढूंढने निकल जाते हैं। भाई काम तो मिल गया, अब रात को सोएंगे कहाँ? यार आज तो बहुत थक गए हैं, क्यों ना इसी फुटपाथ पर सो जाएं, रहने का ठिकाना कल ढूंढते हैं। चल ठीक है। अरे बिड़ू, ये तो कोई नए मुर्गे लगते हैं। क्या रे, यह अपन की जगह है, चलो फूटो यहाँ से। भाई आज रात को हमें यहीं सोने दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आज ही गांव से शहर आए हैं, तो रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। क्या बोला, कोई ठिकाना नहीं है? बिड़ू यहाँ सोना है तो पैसा लगेगा, पैसा। क्षमा करना भाई, पैसा तो नहीं है अभी हमारे पास, सोने दो ना, बस आज रात की ही बात है। पैसा नहीं है तो चलो 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 चलो, भागो यहाँ से, फूटो। क्या रे बिरजू, क्यों परेशान कर रहा है इनको? काकी बस मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। चल भाग यहाँ से। बेटा नए लगते हो इस शहर में, चलो अंदर आ जाओ। धन्यवाद काकी, हम दोनों आज ही गांव से शहर आए हैं, हमें नौकरी तो मिल गई है, बस रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बेटा मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, पर हाँ किराया देना होगा। हाँ हाँ काकी, हम किराया दे देंगे। अगले दिन दोनों काम पर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा मार्केटिंग मैनेजर 1 महीने के लिए इमरजेंसी लीव पर चला गया है, तो सर अब हमारे नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन संभालेगा? ओह नो, यह तो बहुत टेंशन की बात है, चलो मैं कुछ सोचता हूँ। सत्या वहीं पास में खड़ा सफाई करते हुए सारी बात सुन रहा था, तभी विजय वहाँ पानी लेकर आता है। अरे सत्या, ये सेठ जी इतने परेशान क्यों हैं? वो मार्केटिंग मैनेजर है ना, वो 1 महीने की छुट्टी पर अचानक से चला गया, इसीलिए परेशान है कि अब उनका काम कौन संभालेगा। चल चलकर बात करते हैं सेठ जी से। गुड मॉर्निंग सेठ जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या हम दोनों आपकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या कहा, तुम दोनों मदद करोगे, जाओ जाकर अपना काम करो, दोनों जानते ही क्या हो तुम मार्केटिंग के बारे में, बड़े आए मदद करने वाले। यार सत्या, आज तो सेठ जी ने बिना बात ही डांट दिया, सामान ही तो बेचना है, इसमें पढ़ाई क्यों चाहिए? अरे गांव में सामान बेचने में और शहर में सामान बेचने में बहुत फर्क है, तू बिना बात पे बुरा मान रहा है, चल जाने दे। ए सत्या सुनना, अपना पैसा जोड़कर कुछ काम करते हैं, कब तक ये सेठ जी की छोटी मोटी नौकरी करते रहेंगे? बात तो तेरी सही है, कितना अच्छा हो अपना भी एक ऑफिस हो, परंतु अभी हमारे पास पैसा नहीं है ना, अभी तो मेहनत करके पैसा जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों मेहनत कर अगले 1 साल में नौकरी से 1,00,000 रुपया बचा लेते हैं।
क्या कहते हो सेठ विजय, अब तो तुम भी लखपति हो गए हो। अब यार बहुत हुआ, ये नौकरी छोड़कर कुछ काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ मान ली तेरी बात, परंतु ये तो बता करेंगे क्या? ध्यान से सोच, हमारे इस पूरे एरिया में एक ही कपड़े की दुकान है, उसका सेठ मन चाहे दामों पर कपड़ा बेचता है। क्या कहता है, क्यों ना कपड़े की दुकान ही खोलें? हाँ अच्छा सोचा तूने, चल कपड़े की ही दुकान खोलेंगे, परंतु पहले सेठ जी को नौकरी छोड़ने के बारे में तो बोल दें। चल चलते हैं। सेठ जी, हम दोनों कल से काम पर नहीं आएंगे। अरे पैसे बढ़वाने हैं तो सीधा सीधा बोलो, यह नाटक क्यों करते हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम खुद का काम करेंगे इसीलिए नौकरी छोड़ रहे हैं। खुद का काम करना इतना आसान होता है क्या? देख लो, आज खुद नौकरी छोड़कर जा रहे हो, कल को फिर नौकरी मांगने आओगे तो मैं नहीं दूंगा। कोई नहीं सेठ जी, अब हमने सोचा है तो मेहनत से अपना काम जरूर करेंगे, अगर विफल रहे तो आप नहीं तो कोई और नौकरी दे देगा। लिख कर ले लो, तुम दोनों कभी सफल नहीं होगे। जाओ अब यहाँ से। दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान शुरू करते हैं। क्यों सत्या सेठ, आज पहले दिन ही बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है। भगवान की कृपा से शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है हमारी, हे प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना। दोनों का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही महीनों में उनकी दुकान छोटी से बड़ी हो जाती है। अब दोनों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। क्या बात है विजय भाई, क्यों उदास बैठा है? भाई ना जाने क्यों आज अचानक से गांव की याद आ गई। भाई तूने मुझे भी उदास कर दिया, हमें गांव छोड़े लगभग 3 साल हो गए हैं, अब मन करता है कि माँ बाबा को भी शहर ही बुला लें। सत्या तुझे याद है कैसे हम पेड़ों की डालियों पर बैठकर सारा दिन मौज मस्ती किया करते थे? अरे कैसे याद नहीं होगा, कैसे हम पूरा दिन नदी में तैराक दौड़ लगाते थे। तब हमारे पास धन भले ही नहीं था परंतु समय बहुत था, आज हमारे पास धन है परंतु समय नहीं है। यार कुछ दिन चल दोनों भाई गांव चलते हैं। सच कहूँ मन तो बहुत करता है, परंतु हम दोनों चले गए तो इस मेहनत से बनाए हुए व्यापार को कौन देखेगा। ये भी है। एक काम कर, तू गांव होकर आ, तेरे आने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये तूने अच्छा सुझाव दिया है, पर सुन मैं कुछ दिन रहकर गांव आऊंगा, कभी तू ये सोचे कि मैं कल जाकर परसों वापिस आ जाऊंगा। तेरा जितने दिन मन करे उतने दिन रहकर आ, परंतु तेरी याद बहुत आएगी यार। याद तो तेरी भी बहुत आएगी भाई, तू चिंता मत कर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अगली सुबह विजय गांव के लिए चला जाता है और सत्या दुकान के कामों में लग जाता है। आज तो दुकान में बहुत काम है। सोनू चल जल्दी जल्दी हाथ चला, आज विजय सेठ भी नहीं है जो आधा काम संभाल लेगा। आज विजय को गांव गए 2 ही दिन हुए थे कि उसी दोपहर सत्या उसे सामने से आता हुआ देखता है। तू आ गया मेरे भाई, कैसा रहा तेरा गांव का सफर? गांव में सब ठीक तो है ना, परंतु तू इतनी जल्दी वापिस क्यों आ गया, थोड़े दिन और रुकाता। अरे अरे सब बताता हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दे। हाँ हाँ तू आराम से बैठ। अरे सोनू देख विजय सेठ आ गए, एक गिलास पानी तो लेके आ। हाँ अब अच्छा लग रहा है, तू चिंता मत कर गांव में सब ठीक है, तू अकेला इतना काम कैसे संभालेगा, यही सोचकर मैं जल्दी वापिस आ गया। बहुत अच्छा, यह सुनकर मन को शांति मिली। चल तू थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा ले, सफर से थक कर आया है। नहीं भाई आराम बाद में कर लेंगे, दुकान में बहुत काम है, चल जल्दी से दुकान का काम संभाल लेते हैं। अगले कुछ महीनों तक दोनों दोस्त बहुत काम करते हैं और मेहनत से अपने व्यापार को और भी तरक्की की ओर ले जाते हैं। विजय इस शहर में तो अपना बिजनेस अच्छा जम गया,
सोच रहा हूँ एक बिजनेस किसी दूसरे शहर में और जमा लेते हैं। तू बोल क्या सोचता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा है तूने। सोच तो लिया, परंतु इतने बड़े व्यापार को संभालेगा कौन? यहाँ का बिजनेस मैं संभाल लूंगा, तू दूसरे शहर जाकर तरक्की कर, इसमें इतना सोचना क्या? यार इस रोटी की भूख ने दो दोस्तों को अलग कर दिया, आज तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा मैं वहाँ। कोई किसी से दूर नहीं हो रहा है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? जब भी तेरा मन करे चले आना, मैं तो यहीं मिलूंगा। सत्या दूसरे शहर में बिजनेस शुरू कर देता है। अब व्यस्त होने के कारण उसका विजय से कई महीनों तक मिलना नहीं होता। आज सत्या बहुत दिनों के बाद विजय से मिलने घर आता है। विजय, ओ मेरे भाई विजय, कहाँ है तू? देख तेरा यार आया है तुझसे मिलने। अरे सत्या मैं यहाँ हूँ। बड़े दिनों के बाद आया रे तू, आज कुछ दुबला लग रहा है, लगता है अपना ध्यान नहीं रखता। हाँ यार काम में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि तुझसे मिलने का ही समय नहीं है, तो खाने का समय कहाँ से मिलेगा। चल अब नाराज मत हो, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला। नाराज? और तुझसे? तुझसे तो मैं मरने के बाद भी नाराज ना हूँ। चुप हो पगले, ऐसी अशुभ बात कभी अपनी जुबान पर फिर मत लाना। सत्या ये कौन है, इनसे तो पहले कभी नहीं मिलवाया तूने? यही तो मेरा सरप्राइज है। ये है सुमन, मेरी दोस्त और तेरी होने वाली भाभी। और सुमन ये है मेरा जिगरी दोस्त विजय। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तूने। नमस्ते भाभी। चलो कोई तो तेरा ख्याल रखने वाला आ गया, अब मेरी जिम्मेवारी पूरी हुई। अरे विजय सोच रहा हूँ सुमन को माँ बाबा से मिलवा दूँ, मेरी अकेले गांव जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्यों ना दोनों भाई चले। इस बार तो थोड़ा मुश्किल होगा यार, पता है तुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसे पूरा भी तो करना है। इस बार तू भाभी को लेकर जा, अगली बार पक्का दोनों भाई चलेंगे। सत्या अगले दिन सुमन को लेकर गांव चला जाता है। माँ देख माँ मैं आ गया हूँ, प्रणाम पिताजी। कौन? सत्या? अरे सत्या तू कहाँ रह गया था, कितने सालों बाद आया है रे तू? क्या बताऊँ माँ, समय ही नहीं मिलता। जानती है माँ विजय से भी महीनों में एक आधी बार ही मिलना होता है। अरे सत्या क्या कहा, विजय से मुश्किल से मिलता है? हाँ बाबा, आप जानते हैं हमने दो व्यापार कर लिए हैं, एक व्यापार को विजय संभालता है और दूसरे को मैं। इतना सुनते ही माँ और बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सत्या तू हमसे मजाक कर रहा है क्या? क्या तुझे सच में नहीं पता तेरे दोस्त के साथ क्या हुआ? माँ मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ विजय के साथ? क्या बताऊं बेटा, पिछली बार जब विजय गांव आया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नहीं पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हर रोज सत्या से बात करता हूँ, मैं और सुमन तो अभी अभी उससे मिल के आ रहे हैं। सत्या तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, उसके बाद तू भी गांव नहीं आया तो हमें लगा तू हमें भूल गया, और वैसे भी तेरे नए घर का एड्रेस हमारे पास नहीं था बेटा। इतना सुनकर सत्या फूट फूट कर रोता है और भागकर उसी नदी के घाट पर चला जाता है जहां वो घंटों समय बिताते थे। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सत्या, अरे सत्या रो मत रे, मैं तेरे साथ ही हूँ। विजय, मेरे भाई विजय, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताता मेरे भाई, यह सब तो भाग्य का खेल है। वैसे भी जब तक तेरा सपना पूरा नहीं होता मैं तेरा साथ कैसे छोड़ देता। आज तेरा सपना पूरा हो गया है, और फिर तेरे पास अब सुमन भाभी भी तो आ गई है, अब तो तुझे मेरी जरूरत नहीं है,
अब मुझे जाने दे रे पगले, मैंने भगवान से इतना ही समय मांगा था, माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कह विजय वहाँ से ओझल हो जाता है और सत्या रोते हुए घर को वापिस लौट आता है। माँ पिताजी, अब आप दोनों को मेरे साथ शहर चलना होगा, विजय की भी अंतिम इच्छा यही थी। माँ बाबा सत्या की जिद के आगे झुक जाते हैं। अब सारा परिवार शहर में खुशी से रहता है। जब भी सत्या को विजय की याद आती है, वह गांव को लौट आता है और उसी नदी किनारे बैठ जाता है। मेरे दोस्त विजय, दोस्ती की कीमत तो कोई तुझसे सीखे। भले ही तू आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु तूने सदैव मेरा साथ निभाया है। तू सदैव अमर रहेगा मेरे दोस्त।